कि चूना खाना है, चूने से किसी प्रकार का जैसे पत्ती वाला नहीं खाना, आगे जाके किसी बॉडी में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है? नहीं होता। देखो 3 महीने तक पानी पीना है इसका, 3 महीने तक चूने का पानी पीना है, 3 महीने के बाद में 1 महीना बंद कर देना है, फिर से 3 महीना पीना है। पूरी जिंदगी भर भी अगर आप पानी पिएंगे चूने का तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, दूसरा मेरा था कि एक बच्चा मेरा छोटा 8-10 साल का, तो उसको क्या कि मौसम चेंज होती है ना, उसका पसली चलने से चालू हो जाती है उसकी। क्या होती है पसली चलने लगा, पसली से मतलब दमा चलता है। हां, मौसम बदलता है। कितने साल का है? 8 साल। 8 साल का, तो कब की प्रॉब्लम है? उसको लगातार हर मौसम में उसके साथ ये सिखाते हैं। यही है, तो आप क्या करेंगे, नाक में एक तो पुराना घी डालेंगे एक एक बूंद, और दूसरा उसको भोजन के बाद में गुड़ जरूर दीजिए, और दूध जो है ना सुबह देना बंद करें। सुबह दूध पीता होगा? नहीं, शाम को दूध देते हैं। अच्छा, तो मौसम के वक्त में बच्चों में ऐसी तो शिकायतें होती है, मौसम बदलता है, तो ये अगर आप करेंगे तो नहीं होगा। नाक में घी डालना शुरू करें और 2 चम्मच आप उसको अगर गो अर्क अगर देंगे, ताजा गोमूत्र मिलता है वो, उसको बताओ मत कि गो अर्क है, और वो डाल के उसको कप में डालकर अगर देंगे पानी में मिलाकर, तो उससे भी सारी एलर्जी चली जाएगी। उसकी इम्यून सिस्टम उस हिसाब से ढालनी चाहिए। एसी में जितना कम बिठाएंगे उसको वो अच्छा है। एसी में रहता है क्या? मैं एसी में ठीक है, इतना करें। एक दूसरा सवाल था, जैसे कई लोग था कि जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बताया था, अब बोलिए बोलिए, इन्होंने बताया था कि अभी इनका सर गर्म हो जाता है, तो मेरा क्या है, अभी पीछे कुछ समय पहले थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा हल्का हुआ था, बॉडी पे सर गर्म हो गया था, तो मेरा मैंने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि आपको लो बीपी हो गया है, तो पहले हाई बीपी, तो जैसे लोग जैसे हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा, मगर हाई बीपी की शिकायत पहले थी, अब अचानक लो बीपी की शिकायत आ गई है, तो वही लोग पूछ रहा था कि ये जैसे लो बीपी हो गया तो इसका नॉर्मलाइज हो गए फिर लो बीपी में चला गया, ऐसा भी होता है, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो सकता है। नहीं, उसके बाद मैंने कई बार बीपी चेक करा, बीपी नॉर्मल रहता है। ठीक है, मगर सर में दर्द कभी रहता, वो नाक में घी डालो ना, सर दर्द चला जाएगा। सब बीमारियां आपको है क्या? काफी समय पहले मेरे सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती। क्या होती है? सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस। हाँ, उसका प्रॉब्लम हुआ था 1.5-2 साल पहले के आसपास, तो वो आगे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मगर तब से जब यूरिन पास करने में थोड़ा कंफर्ट नहीं होता, वो एक इशू रहता है। मैं अब बैठिए, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इनके प्रश्नों को लेकर ही कुछ बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को भी क्लियर कर देता हूँ। एक, हम तो हृदय तक पहुँचे थे, उसके बाद डायरेक्ट कैंसर और डायबिटीज तक चले गए।